Hello friends, welcome to ThinkNEXT Technologies Pvt. Limited. So, आज मैं आपको बताऊंगा कि बीम कैसे डिज़ाइन करना है, एक आरसीसी बीम को कैसे डिज़ाइन करना है, उसको एनालिसिस करना है. ओके, तो जो हमारे ये स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे किसमें डिज़ाइन होते हैं, स्टैड प्रो में. सो सबसे पहले स्टैड प्रो क्या है, स्टैड प्रो है एक सॉफ्टवेयर है स्ट्रक्चर का. ओके, जो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिज़ाइन. और जो स्टैड प्रो है वो है बेंटले का, बेंटले एक फर्म है जिसने इसको बाय किया था. ओके, तो डिफरेंट टाइप ऑफ बीम हम डिफरेंट डिज़ाइन करेंगे. सबसे पहले हमारे पास बीम होते कितने टाइप के हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ बीम होते हैं, फिक्स बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, कॉन्टीन्यूस बीम, ओवरहैंग बीम. ओके, तो सबसे पहले आज हम इसमें डिज़ाइन करेंगे फिक्स बीम. सो फिक्स बीम को डिज़ाइन करने के लिए पहले हमें इसका ये इंटरफेस, ये स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है, इसको क्लियर करना पड़ेगा क्या चीज़ है ये. ओके, तो सबसे पहले हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट टास्क है, आप ये बॉक्स देख रहे हो, इसके अंदर हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट है, ओपन प्रोजेक्ट है, इसका क्या मीनिंग है. सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट मीन्स अगर मैंने कोई अपना न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे अभी मैंने एक बीम डिज़ाइन करना है, तो उसको मैं न्यू प्रोजेक्ट में जाके क्लिक करके डिज़ाइन करूँगा. ओके, ओपन प्रोजेक्ट का मीनिंग क्या है कि अगर मैंने कोई अपना प्रोजेक्ट को ओपन करना है, अगर मेरा एक प्रोजेक्ट बन चुका है उसको मैंने ओपन करना है, तो मैं ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा. ओके, तो इस साइड मेरा आप देख रहे हो रिसेंट फाइल, रिसेंट फाइल का मीनिंग क्या, अगर मैंने कोई अपना प्रोजेक्ट बना के सेव किया हुआ है तो यहाँ पे वो रिसेंट फाइल में मुझे शो करने लग जाएगा. ओके, और उसके नीचे है लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन. लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन मीन्स मैंने कौन सा कोड मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए या उसको एनालिसिस करने के लिए. तो आज मैं, अब मैं इंडियन कोड डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो इंडियन कोड के हिसाब से डिज़ाइन कर रहा हूँ अपना स्ट्रक्चर, तो इंडियन कोड पे मैं टिक करूँगा. ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने बीम को डिज़ाइन करने. ओके, तो सबसे पहले मैं क्लिक करूँगा अपने न्यू प्रोजेक्ट पे, न्यू प्रोजेक्ट में मैं क्लिक किया. अब आप देखोगे कि मेरे पास ये चार ऑप्शंस खुल रहे हैं. ओके, तो इन चार ऑप्शंस का क्या मीनिंग है, सबसे पहले मेरे पास स्पेस, तो स्पेस का क्या मीनिंग है आप ये नीचे पढ़ सकते हो. जो स्पेस है वो है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, अगर मैंने थ्री डायमेंशनल में काम करना है, मतलब अगर मैंने एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में काम करना, तो मैं स्पेस पे अपना टिक करूँगा. और प्लेन का क्या मीनिंग है, अगर मैंने सिर्फ एक्स और वाई में काम करना है तो मैं प्लेन में टिक करूँगा. ओके, तो अभी मैं स्पेस में काम करना, स्पेस में जाके टिक कर दिया. अब यहाँ पे मैं अपना फाइल का नेम लिख दूंगा कि मैं क्या डिज़ाइन कर रहा हूँ. अब मैं बीम डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो बीम लिख के यहाँ पे मैंने बीम लिख दिया. और नीचे है मेरे पास लोकेशन, लोकेशन का मीन्स क्या कि मैं कहाँ पे अपनी फाइल को सेव करना चाहता हूँ. तो मेरी यहाँ पे लोकेशन सेट है. ओके, अब उसके नीचे है मेरे पास लेंथ यूनिट्स और फोर्स यूनिट्स. अब लेंथ यूनिट और फोर्स यूनिट क्या है, अब लेंथ यूनिट है कि अगर मेरे बीम के डायमेंशन इंचिस में है तो यहाँ पे मैं लेंथ यूनिट्स को इंचिस में सेट करूँगा, अगर मेरी बीम के डायमेंशन फुट में है तो मैं फीट में सेट करूँगा. ओके, बेसिकली जब आप कोई भी न्यूमेरिकल करते हो, चाहे वो सॉम में है चाहे वो डीसीएस में है, आप जब भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो, कुछ भी बीम को सॉल्व करते हो, तो वहाँ पे हमारे पास डायमेंशन जो है, यूनिट्स जो है, उसकी मीटर में होती है, इसीलिए यहाँ पे मैं मीटर में सेट करूँगा. ओके, और अगर अब मैं यहाँ पे आता फोर्स यूनिट पे, अब फोर्स यूनिट क्या है, मान लो अगर मैं बीम पे लोड डल रहा है वो किस में डल रहा है, पाउंड में डल रहा है, किलो पाउंड में डल रहा है, किस में डल रहा है. अगर मेरा लोड पाउंड में डल रहा है तो पाउंड में सेट करूँगा, किलो पाउंड में डल रहा है किलो पाउंड में सेट करूँगा. और आपने देखा होगा कि आप जो भी लोड डालते हो वो डलता है किलो न्यूटन में. अब मैं किलो न्यूटन में यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, इसको नेक्स्ट कर दूँगा. यस, ओके, अब यहाँ पे मैंने ऐड बीम पर टिक करना है. ओके, फिनिश. अब ये आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास एक विंडो खुली है स्टैड प्रो की. ओके, तो यहाँ पे मेरे पास जो वही सेम ऑप्शंस हैं, मेरे पास अगर न्यू स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, न्यू स्ट्रक्चर पे टिक करूँगा, ओपन स्ट्रक्चर बनाना तो ओपन स्ट्रक्चर पे मतलब टिक करूँगा. ओके, उसके नीचे मेरे पास अलग अलग व्यूज़ कि मैंने अपनी स्क्रीन को किस व्यू से देखना है, अगर मैंने फ्रंट व्यू से देखना तो फ्रंट व्यू पर टिक कर दूँगा, अगर मैंने बैक से देखना बैक से, अगर साइड से देखना यहाँ पे. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले मेरे सामने ग्रिड है. ओके, यहाँ पे मैंने अभी ग्रिड का यूज़ नहीं करना है, ग्रिड का यूज़ हम करेंगे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, वो आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कि कैसे इसका यूज़ करना है. ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कर्सर्स हैं, एक है नोड कर्सर है, बीम कर्सर है, सरफेस कर्सर है, प्लेट कर्सर है. ओके, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टैड प्रो में जो भी स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है बाय द हेल्प ऑफ नोड्स. अब
नोड क्या है। अब यहाँ पे हमें एक नोड चाहिए होगा, हमें पता है हमारा बीम जो है एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है, तो हमें एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक नोड चाहिए होगा। तो नोड कैसे आएंगे वो आप ध्यान से देखिए वीडियो को। तो सबसे पहले हमने ये ग्रिड को ऑफ करना है। ग्रिड को ऑफ कैसे करना है, यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे क्रॉस कर दिया मैंने, मेरा जो ग्रिड है वो ऑफ हो चुका है। अब हमें पता है कि हमारे बीम जो है एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है, ओके। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो भी स्ट्रक्चर चैट में बनता है वो अब आएगा हेल्पिंग ऑफ नोड्स बनता है। तो नोड को लाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं एक्स में जाके यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में ज़ीरो एंटर कर दिया। अब जब मैंने ज़ीरो एंटर किया तो आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे एक नोड आ गया है, ओके। अब मुझे मान, फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरे बीम के डायमेंशन 5 मीटर है, ओके। तो मुझे अब जे ज़ीरो पे नोड है और मुझे 5 मीटर पे एक नोड चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एक्स के नीचे सेकेंड नोड मुझे कहाँ पर चाहिए, 5 मीटर पर एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास एक नोड ये है और एक नोड ये है यहाँ पर 5 मीटर डिस्टेंस पर। अब मेरा सेकेंड स्टेप क्या है कि इसमें मुझे एक बीम ऐड करना है। तो बीम को ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपने ज्योमेट्री में जाऊँगा, ऐड बीम, ओके। ऐड बीम में टिक किया, ऐड बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट मीन्स मेरे को इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक मुझे एक बीम लगाना है। अब दोस्तों मैंने सिंपली एक बीम तो लगा दिया। अब मेरा सेकेंड स्टेप क्या है कि मैंने जो बीम लगाया था, मैंने सबसे पहले आपको बताया था मेरे पास फिक्स बीम है, तो फिक्स बीम को फिक्स बनाने के लिए मुझे फिक्स पोर्ट लगानी पड़ेगी। तो मेरा सेकंड स्टेप है सपोर्ट लगाना। तो सपोर्ट कैसे लगेगी, यहाँ पे मैं जनरल पे जाऊँगा, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक ऑप्शन है सपोर्ट का, ठीक है। अब सपोर्ट पे जाके यहाँ पे मैं क्रिएट में क्लिक कर रहा हूँ, मुझे फिक्स सपोर्ट चाहिए, ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास एस टू नाम से एक सपोर्ट टू फिक्स सपोर्ट ऐड हो चुकी है। अब आप देखोगे कि सपोर्ट मेरे लगानी कहाँ पे है, सपोर्ट मेरी लगेगी एंड्स में। अब एंड में मेरे पास क्या है, यहाँ पे भी मेरे पास एक नोड है, तो यहाँ पे भी मेरे पास एक नोड है। अब मैं नोड कर्सर सेलेक्ट करूँगा, इस नोड को अपना सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल प्रेस करके इस नोड को सेलेक्ट करूँगा, ओके। अब यहाँ पे मेरे पास चार ऑप्शंस हैं, असाइन टू सिलेक्टेड नोड्स, असाइन टू व्यू, यूज़ कर्सर टू असाइन, असाइन टू एडिट लिस्ट। मैं क्लिक करूँगा असाइन टू सिलेक्टेड नोड्स पे और असाइन कर दूँगा, यस। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास एक सपोर्ट लग गई है, फिक्स सपोर्ट, ओके। तो अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे अपने बीम को एक प्रॉपर्टी देनी होगी। अब ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो, या ज़्यादातर जो इंजीनियर्स होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं वो इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है इसमें, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या है, देखो मैंने प्रॉपर्टी पे क्लिक किया, मैं जाऊँगा डिफाइन पे। अब यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज खुल रही हैं, सर्कुलर प्रॉपर्टी है, रेक्टेंगुलर है, टी प्रॉपर्टी है, ट्रेपेजॉइडल है। अब ये प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है, अब मैंने प्रॉपर्टी देनी है रेक्टेंगुलर, ओके। रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी देनी है, अब आपके सामने एक बॉक्स खुला है यहाँ पे, तो वहाँ पे वाई डी और जेड डी की वैल्यू है। अब वाई डी का मीन्स क्या है, वाई डी का मीन्स है कि मैंने अपने बीम की जो डेप्थ है वो कितनी देनी है। मान लो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 0.30 और यहाँ पे दे रहा हूँ 0.25, ओके। जो आप जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वहाँ पे आप देखा होगा कि आपके बीम का जो डायमेंशंस होती है वो आपको दिया होता है कि 300 बाय 250, तो वो ये डायमेंशंस हैं, ओके। इसको किया ऐड, इसको किया क्लोज, ओके। अब जब मैंने अपने इसको ऐड कर लिया तो अब इसको असाइन भी करना पड़ेगा, जैसे मैंने अपनी सपोर्ट को असाइन किया था। अब इसको कैसे असाइन करेंगे, मैंने प्रॉपर्टी पे क्लिक किया, बीम कर्सर सेलेक्ट करूँगा अपना और बीम पे क्लिक करूँगा, ठीक है, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन, यस। तो आप देख सकते हो कि R1 प्रॉपर्टी थी और R1 मेरे पास असाइन हो चुके हैं मेरे बीम पर। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने इस पर लोडिंग करनी है, हमने इस पर लोड डालना है। अब आपने डिफरेंट पढ़ा होगा, डिफरेंट टाइप के लोड होते हैं, डेड लोड, लाइव लोड, ओके। तो वो लोड हम ऐड करेंगे, उसको ऐड करने के लिए क्या करूँगा, लोड एंड डेफिनेशन पे जाऊँगा, लोड केस डिटेल ऐड, ओके। जहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैं अभी डेड लोड पे काम कर रहा हूँ, डेड, और उसको टाइटल दे दिया मैंने DL, इसको कर दिया सिंपली ऐड, क्लोज। अब आप देख सकते हो कि मेरे पास डेड लोड ऐड हो चुका है। अब डेड लोड के अंदर मैंने कौन सा लोड डालना है, ओके, मैं बेसिकली डाल रहा हूँ UDL, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड, ठीक है। तो उसको डालने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा मेंबर लोड पे, यहाँ पे मैंने W1 की प्रॉपर्टी मैंने दे दी माइनस ट्वेंटी किलो न्यूटन पर मीटर, ओके। अब यहाँ पे माइनस ट्वेंटी क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा लोड जो है एक डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस ट्वेंटी डाल रहा हूँ, ठीक है।
ओके, इसको किया ऐड, इसको किया क्लोज। अब आप देखोगे कि इस लोड के आगे क्वेश्चन मार्क है। अब क्वेश्चन मार्क क्यों है, जब तक वो लोड असाइन नहीं होगा तब तक उसके आगे क्वेश्चन मार्क होगा। अब इस लोड को मैंने किस पे असाइन करना है, मैंने इस लोड को अपने बीम पर असाइन करना है। तो बीम पर असाइन करने के लिए मैं फिर से अपना बीम कर्सर सेलेक्ट करूँगा, अपने बीम प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करूँगा, बीम को सिलेक्ट करूँगा और असाइन टू सिलेक्टेड बीम से क्लिक करूँगा असाइन। यस, आप देख सकते हो कि मैं जब लोड असाइन किया तो मेरे बीम का जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। ओके, तो अब मैंने बीम पे अपनी लोडिंग भी डाल दिया, अपनी प्रॉपर्टी भी डाल दिया और अपनी सपोर्ट भी दे दी है। अब इस पे मैं क्या करूँगा, सिंपली एनालिसिस करूँगा कि मैंने जो लोड डाला है वो मेरा बीम बेयर कर रहा है या फिर नहीं। ओके, एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे एनालिसिस या प्रिंट पे जाऊँगा, ऐड क्लोज एनालिसिस सेव। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जीरो एरर है। तो हमारा मेन मोटो क्या होता है स्टैड प्रो में स्ट्रक्चर को डिजाइन करने का, कि हमने यहाँ पे एरर को मिनिमाइज करना है। ओके, तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि पोस्ट प्रोसेसिंग मोड पे जाएंगे, इसकी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैसे निकलती है। ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे कि बीम पर जाओगे तो यहाँ पे आपकी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी आ रखी है और मैक्सिमम शेयर फोर्स भी आ रखी है। और अगर आप ग्राफ पे टिक करोगे तो यहाँ पे आपको वो ग्राफ भी शो कर देगा। ओके, तो दोस्तों ये था हमारे पास सिंपली बीम का एक एनालिसिस, और अब हम करेंगे इसका डिज़ाइन। तो डिज़ाइन के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिए।